तुम भी जब आई थी तो देट वॉज लाइक बहुत टाइम पहले, और अब 2022 है, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन बॉलीवुड में आ गई है, VFX, सिनेमाटोग्राफी, बहुत कुछ इंट्रोड्यूस हो चुका है बॉलीवुड में. सो आपको कुछ ईजी लगा अब इस टाइम पर डायरेक्ट करना, या पहले डिफिकल्ट लगता था? कुछ चेंजेस, क्या चेंजेस आपको लगे? Hi. So, since Tumbin, today you are here for the, मतलब आपकी मूवी आ रही है चित्रकूट and you are directing it. Yes. So, how was the experience of being a director of a movie? It's very fascinating. It's very exciting to start telling stories. Yeah. I've acted in many films, but to create a film, to create a project is very, you know, it has its own challenges. And it's a very new world. So, I'm very happy to be here. तो चित्रकूट से हम क्या समझें, क्या क्या आप इस बार क्या दिखाने जा रहे हैं ऑडियंस को, क्या कहानी होगी, क्या प्लॉट है मूवी का, थोड़ा सा कुछ बताइए. चित्रकूट कहानी है 5 लोगों की. दे आर लुकिंग फॉर लव, दे आर लुकिंग फॉर कंपेनियनशिप, और उनकी क्या जर्नी रहती है उसके लिए, एंड वो कैसे यू नो हाउ दे इवॉल्व थ्रू द प्रोसेस एंड हाउ दे चेंज एंड ट्रांसफॉर्म. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस रोमांटिक मूवी दैट यू हैव डायरेक्टेड? क्या आप टिपिकल जो बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज होती हैं उनसे कुछ अलग, कितना डिफरेंट, कितना हटके? हटके वो ऐसे है कि आई हैव ट्रीटेड रिलेशनशिप्स इन अ वेरी ट्रू मैनर. यू नो, मुझे लगता है बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा शुगर कोटेड एंड बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक एंड ओवर इमोशनल नरेशन होता है यू नो रिलेशनशिप्स का, जो मुझे लगता है रियल लाइफ में नहीं होता है. हम लोग अंदर से ट्रूली कैसे इमोशनली बिहेव करते हैं, विच इज़ अ वेरी डेलिकेट वे. तो आई मैनेज टू ट्रीट इट वेरी डेलिकेटली. तुम बिन एक खुद एक रोमांटिक मूवी थी और आपने उसमें एक्ट किया था, सो उससे बहुत अलग होने वाली है? हाँ, वो काफ़ी अलग है. वो अलग ईरा की फिल्म थी, उसमें अलग एक फ्लेवर था, टेक्सचर था. तो मैं कहूँगा कि ये मॉडर्न है बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा. सो लेट्स सी. अच्छा, लास्ट सवाल मेरा आपसे ये होगा सर कि तुम भी जब आई थी तो दैट वाज लाइक बहुत टाइम पहले, और अब 2022 है, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन बॉलीवुड में आ गई है, VFX, सिनेमाटोग्राफी, बहुत कुछ इंट्रोड्यूस हो चुका है बॉलीवुड में. सो आपको कुछ ईजी लगा अब इस टाइम पर डायरेक्ट करना, या पहले डिफिकल्ट लगता था? कुछ चेंजेस, क्या चेंजेस आपको लगे? अभी इजी हो गया, अभी सेटअप ज़्यादा, यू नो देयर इज मच मोर डिजिटल हो गया है, टू शूट फिल्म्स इज इजियर, देयर इज सो मेनी थिंग्स यू कैन गो व्हिच इज फार मोर कंफर्टेबल. सो आई थिंक दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस. थैंक यू सर.